जहां परिवारवाद चलता हो, जहां कोई पार्टी नहीं हो, जहां कोई संस्कृति नहीं हो, तो ऐसे ही ना समझ लोग ना राजनीति में प्रवेश करेंगे। अगर पूरे आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार जी के 16 साल का आंकड़ा रख दीजिएगा, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी है। बिहार की जो स्थिति है आप सबको मालूम है कि बिहार का क्या स्थिति है, 2005 के पहले क्या था और आज क्या है बिहार। रोहित जी अपने भाषण में कह रहे थे, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट की चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र के बजट की चर्चा कर रहे थे, बिहार के बजट की चर्चा कर रहे थे। और इसके साथ साथ बजट तो छोड़ दीजिए, विकास तो कहीं शून्य था। 2005 के पहले बिहार में न बिजली थी, न बिहार में सड़क था, न बिहार में कानून व्यवस्था था, न बिहार में शिक्षा व्यवस्था थी और न ही बिहार में स्वास्थ्य सेवा की कोई व्यवस्था थी, और आतंक का राज था। आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, शकुनी बाबू के घर पर पूरा फोर्स लगा के पूरा घर तहस नहस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था पुराने शासन काल में, 2005 के शासन काल में। इनके घर में एक छटाक अनाज नहीं बचा था, सारा अनाज इनका गोदाम से नहीं, जो कोठी होता है, कोठी से निकाल के कुआं में डाल दिया गया था। और उसमें स्वर्गीय आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और हम सब लोग गए थे तारापुर, और वहां जाके हम लोगों ने सड़क पर मार्च किया था अन्याय के खिलाफ, अत्याचार। तो ये तो होता था पुराने राज में, ये तो धंधा था पुराने राज का कि अपने विरोधियों को कुचलने के लिए यह काम करो कि वह आदमी बर्बाद हो जाए। 1990 से लेकर 2005 तक कैगो बिहार में विवाह भवन बना था, कैगो बिहार में विवाह भवन बना था। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त है और ऐसे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि लोग हर गांव में, हर गली में विवाह भवन बना रहे हैं। क्या दिखाई पड़ता था? विकास की बात कर रहे हैं, क्या समझदारी है आप? रोजगार की बात करते हैं, क्या समझदारी है रोजगार के बारे में? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में लोक सेवा आयोग और जो अवर सेवा चयन परिषद और सिपाही भर्ती में और दरोगा की भर्ती में जितना बहाली हुआ है, जितनी नियुक्ति हुई है, अगर पूरे आजादी के बाद से बिहार का आंकड़ा और नीतीश कुमार जी के 16 साल का आंकड़ा रख दीजिएगा, नीतीश कुमार जी का पलड़ा भारी है। जहां परिवारवाद चलता हो, जहां कोई पार्टी नहीं हो, जहां कोई संस्कृति नहीं हो, तो ऐसे ही ना समझ लोग ना राजनीति में प्रवेश करेंगे, जिनको कोई मतलब नहीं है। अब यहां चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे दिल्ली प्रवास में, वहीं रहेंगे। पूरे कोरोना काल में दिल्ली में थे, बिहार कोरोना से जूझ रहा था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम सलाम करते हैं उनके शासन को कि आज बिहार में कोरोना शून्य पर है, शून्य पर है, और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हो गया।